पत्थरों का अवैध खनन कर रहे माफियाओं पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बनी स्पेशल टीम ने छापेमारी करते हुए 90 क्विंटल से अधिक लदे पत्थरों को ले जा रहे ट्रक सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर के वन विभाग की स्पेशल टीम के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। टीम ने अवैध खनन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए बोल्डर पत्थर ले जा रहे ट्रक के साथ एक चालक और 2 मजदूर को गिरफ्त में लिया है। स्पेशल टीम की कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए वन विभाग के SDO संतोष कुमार पंत ने बताया कि आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन में लिप्त ट्रक को छापेमारी करने के दौरान गिरफ्त में लिया है। इसमें लगभग 90 क्विंटल से अधिक बोल्डर पत्थर पाया गया है। SDO ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ मामला दर्ज कर ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कनकपुर के निकट वन कर्मियों एवं प्रभागी सुरक्षा बल द्वारा एक ट्रक को जो अवैध रूप से खनिज का अभियान करता पाया गया को सीज करने की कार्रवाई की गई। संबंधित के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया गया है और सभी वन कर्मियों को अवैध खनन के प्रति सख्ती से निपटने के निर्देश निर्गत किए गए। अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई इसी प्रकार लगातार जारी रही। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।